हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। आज गाइज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो हेरिटेज का जो आपका सिलेबस में आपका जो टॉपिक होता है उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम लोग पहले तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिस्कस करेंगे, दैट हमारे इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एक एक स्टेट को देखेंगे, ठीक है, एक एक स्टेट में कितने, एंड देन लास्ट में मैं कोशिश करूंगा आपको एक चीज बताने की, दैट इज अ ट्रिक, ठीक है। कुछ ट्रिक्स मैंने लिखी हुई हैं, आपको पीडीएफ में इजिली आपको अवेलेबल होंगे, आपने जस्ट उन चीज़ों को रीड आउट करना है एंड उन ट्रिक्स को जो है वो याद रखना है। तो चलिए गाइज, जितने भी मतलब आपके कोर्सेज, जितने भी आपको अभी तक वीडियोस मिल रही हैं, थैंक यू फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और आज के वीडियो सेशन का टॉपिक आपको पता ही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। गाइज चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ जो हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जो हमने डिस्कस करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है, वो चीज क्या है, देखो गाइज, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है, जैसे कि एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है दैट व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, तो यहां पर मैंने थोड़ी सी इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बिकॉज आई एम ए हिस्ट्री टीचर, तो मेरा फर्ज बनता है आपको हर एक इवेंट से पहले की हिस्ट्री जो है मैं बता दूं। यहां पर देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म बनता है। ये एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। अब यूनाइटेड नेशन की बात यहां पर आ रही है, यूनाइटेड नेशन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, दैट व्हाई यूनाइटेड नेशन इज कम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, क्या रीजन था उसके आने का, ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन जो है गाइस, जो एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, उसी की एक एजेंसी का नाम है यूनेस्को, जो बात करेगी किस पे में, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा वर्क जो करेगी वो किसके लिए काम करेगी दोस्तों, ये काम करेगी दुनिया में, आपको बताएं डाइवर्सिटी ऑफ नेशन हमारे वर्ल्ड में है, अलग अलग टाइप्स के लोग हमारे दुनिया में रहते हैं, और वर्ल्ड के वे पर अगर हम देखें तो हमारे कल्चरल, हमारी एजुकेशन, हमारी हर एक चीज एक कंट्री से दूसरे कंट्री के प्रस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हर एक नेशन का, चाहे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की बात कर रहे हैं, नेपाल की बात करें, अमेरिका की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं, हर एक कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, अपने उसके कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, और हर कंट्री के पास ये पूरा हक होता है उसको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। जितने भी आपके रिच हेरिटेज हैं, जो आपके इतिहास को, जो आपके हिस्ट्री को बताते हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको बचाया जाए, ये एक मेन एम है यूनेस्को का। साथ ही साथ सिर्फ आपके हिस्टोरिकल चीजें नहीं, बल्कि देखिए हमने इसमें एनिमल्स को भी रखा हुआ है, बर्ड्स को रखा हुआ है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स को हमने यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में रखा हुआ है, जो भी ऐसी चीज जिसको, जो हमारे लिए काफी जरूरी है। देखिए यहां पर जैसे ही कह रहे हैं, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आपके लिए जरूरी है, साइंटिफिक एंड कल्चरल वे में आपके लिए जरूरी है, उसको प्रोटेक्शन किया जाएगा इस एजेंसी के द्वारा। तो सबसे पहले एक और चीज आपने यहां पर सीखनी है, दैट यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, ठीक है। प्रमोट क्या करेगा, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। देखो दुनिया में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन अगर आप देखो ना, अगर उसका रियल नेचर समझो आप, कि यूएन क्यों बना था, तो यूएन को बनाया इसीलिए गया था कि ताकि दुनिया में शांति बरकरार रखे। और ये एजेंसी क्या करेगी, एक देश का इतिहास दूसरे देश के लोगों को बताएगी कि देखो इंडिया अगर है तो इंडिया कैसे था ऐसे। जैसे हमने एनिशियंट हिस्ट्री पढ़ी, एनिशियंट हिस्ट्री में हमने देखो कितनी सारी चीजें पढ़ी, दैट हम लोग कैसे, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था, हम लोग कैसे कैसे चेंज हुए हैं, और आज हम 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ना, ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। सो ये सब चीजें पहले नहीं थी इतनी, जो अब हो गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखो एक यूएन की एजेंसी जो दुनिया में शांति का जो है प्रतीक बनी हुई है, किस बेस पर, इस बेस पर कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगी, और रिस्पेक्ट किसकी, उनके कॉपरेशन में, इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ाएगी। कॉपरेशन कैसे बढ़ाएगी, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, किस फील्ड में दोस्तों, एजुकेशन में, आर्ट्स में, साइंस में और कल्चर में। क्लियर हुआ, इस इट हैज 193 स्टेट्स। देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है,
यूनेस्को में टोटल कितने मेंबर्स हैं इसके, तो इसके 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं इसके, एज वेल एज पार्टनर्स इन द नॉन गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट सेक्टर से भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। खाली यूएन के नहीं बल्कि प्राइवेट एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो गाइस पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट बताइए यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ लोकेट करता है, इट लोकेट इन पेरिस फ्रांस में दोस्तों, ठीक है। यूनेस्को हैज 53 रीजनल फील्ड ऑफिस, इनके फील्ड ऑफिस की बात करें तो 53 रीजनल रीजन वाइज इनके ऑफिस हैं, 199 नेशनल कमीशंस हैं दैट फैसिलिटेट द ग्लोबल मैंडेट, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है यूनेस्को के बारे में। अब यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हमने इंडिया में पढ़नी है, हमने वर्ल्ड की नहीं पढ़नी है, हमने खाली अपने देश इंडिया भारत उसकी पढ़नी है। तो देखो यहां पर हमने क्या किया हुआ है दोस्तों, बेसिकली हमने ना जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं इनको हमने दो तीन हिस्सों में बांटा हुआ है, या दो हिस्सों में दे लो, दैट इज टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल गाइस, ठीक है। वी हैव टेंजिबल एंड वी हैव नॉन टेंजिबल, अब इन्हीं को हम लोग आगे देखेंगे कैसे पढ़ना है। अब देखो हमने इंडिया में जो हमारी हेरिटेज साइट्स है ना इनको भी फर्दर डिवाइड किया है तीन हिस्सों में। पहली हमारे पर कल्चरल साइट्स देखें तो वी हैव 32 नंबर्स ऑफ कल्चरल साइट्स। नेचुरल साइट्स की बात करें तो हमारे पास 7 नेचुरल साइट्स हैं, और मिक्स की बात करें तो वी हैव 1 मिक्स साइट्स के बारे में। एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा इन सब के बारे में, यहां तक आप याद रखो। कल्चरल साइट्स कितनी है, 32 हैं, और ये हमारे पास नेचुरल साइट 7 हैं और मिक्स्ड 1 है। टोटल हमारे पास कितना हो गया दोस्तों, यहां पर टोटल हमारे पास नेचुरल हो गई 40। तो 40 यूनेस्को, ठीक है, हमारे पास साइट्स है हेरिटेज साइट। तो हाउ मेनी मतलब कितने साइट्स हैं, टोटल नंबर कितना है 40। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी, ये भी पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इंडिया में कितनी है, तो वी हैव 40, याद रखिए। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और देखने की बात कोशिश करते हैं कि और क्या क्या हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए गाइस एक एक, सबसे पहले हम कल्चरल जो साइट्स हैं आपकी उनको डिस्कस करते हैं। पहली जो साइट है दैट इज आगरा फोर्ट, ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। देखिए दो आपको दिख रहे होंगे यहां पर, एंड इमेजेस भी आपको यहां पर दिख रही होंगी, इमेजेस भी आप देख सकते हो, ठीक है, प्रॉपरली आपके लिए इमेजेस भी यहां पर हैं, और ये इमेजेस आपको आपके पीडीएफ पर भी अवेलेबल होंगी, ठीक है, घबराना नहीं, बस सिर्फ समझना है। ये वाली चीजें सिर्फ समझने वाली हैं, यहां पर आपको कुछ रिटेल में बताने की जरूरत जो होगी वो मैं यहां पर लिख के आया। देखो सबसे पहले आगरा फोर्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आगरा फोर्ट को 1983 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में डाला गया था। कब? 1983 के दशक में, साल में जो हमारा आगरा फोर्ट है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है, यह चीज याद रखो। कब, कहां, कैसे, ठीक है। तो आगरा फोर्ट को कब डाला गया है, 1983 में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं आगरा फोर्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री। आगरा फोर्ट जो है बेसिकली एक हिस्टोरिकल फोर्ट था इन द सिटी ऑफ आगरा इन दिल्ली, ठीक है। आगरा कहां पर आता है, आगरा आता है उत्तर प्रदेश। बहुत सारे लोग यहां पर दिल्ली करके आते हैं क्योंकि वो दिल्ली समझते हैं कि आगरा दिल्ली में है, लेकिन आगरा दोस्तों कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। इट वॉज द मेन रेजिडेंस ऑफ द रूलर ऑफ शिखावरा, ठीक है, शिकारवर जो हमारी क्लैन था राजपूत का, ठीक है, उनमें ये बेसिकली ये आगरा फोर्ट जो है शिकावर जो क्लैन था राजपूत का उनके द्वारा बनाया गया था, वो यहां पर रहते थे अंटिल जब तक मुगल्स की एंट्री इंडिया में नहीं हुई। जैसे ही मुगल्स ने इंडिया में एंट्री मारी उन्होंने राजपूत किंग को हराया और इसको ऑक्यूपाई किया, एंड मुगल डायनेस्टी अंटिल 1638 तक, वन द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। याद है आपको आगरा से दिल्ली भी कैपिटल शिफ्ट हुई। इट वॉज ऑल्सो नोन एज, इसको लाल किला भी कहा जाता है, फोर्ट रोज भी कहा जाता है, या किले अकबरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिफोर कैप्चर द ब्रिटिशर। अब देखो पहले ये राजपूत के पास था, राजपूत से ये मुगल्स के पास गया, मुगल से किसके पास गया गाइस, ब्रिटिशर्स के पास, तो ये ट्रांसमिट होता रहा है और इसका नाम अलग अलग है। तो देखो जब मुगल्स ने इसको नहीं था तो उसको ये किसके पास था, राजपूत किंग के पास था, फिर ये मुगल्स के पास चला गया, मुगल से ये ब्रिटिशर्स के पास। तो इंडिया में भी तो ऐसे हिस्ट्री भी तो हमने ऐसे ही पढ़ी है, रूलर्स के बेस पर ही पढ़ी तो है ना।
एंड गाइज यहां पर एक और चीज, बिफोर कैप्चर द ब्रिटिश द लास्ट इंडियन रूलर टू हैव ऑक्युपाइड इट वर द मराठास। लास्ट किंगडम जिन्होंने आगरा फोर्ट को कैप्चर किया था वो थे मराठास। इन 1933 आगरा फोर्ट वॉज लाइफ इंस्क्राइब्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहां पर आपके लिए पता क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तीन चीजें। पहली, आगरा फोर्ट कहां पर है, आगरा फोर्ट को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया, या ये पूछ सकता है कि आगरा फोर्ट के सबसे पहले उसमें जो भी है, मतलब मोस्टली दो ही इसमें टॉपिक बन रहे हैं, ठीक है, तो ये इसमें याद रखिएगा साल इसका कौन सा है। उसके बाद हम आ जाते हैं अजंता केव्स के ऊपर। यहां पर आपको प्रॉपर एक इमेज दिख रही होगी, ये बालसल्ट का एक छोटा सा पहाड़ है और इन पहाड़ों को काट कर जो है इनके अंदर गुफाएं बनाई गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनको भी 1983 में एड ऑन किया गया है वर्ल्ड जो आपका इकोनॉमी जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, ठीक है। देखो अजंता केव्स और अबाउट 330 केव्स नियर अबाउट, ये 30 केव्स है, कहाँ पर लोकेट करती है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र। विद एलोरा केव्स दे आर अमंग द मोस्ट विजिटेड साइट्स इन इंडिया, ठीक है। अजंता एंड एलोरा केव्स का नाम सुना है ना आपने, ठीक है, तो अजंता और एलोरा दो ऐसी जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा इंडिया में टूरिस्ट आते हैं। अजंता केव्स हैव बीन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983 में, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। अब देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इसमें कौन रहते थे, बेसिकली ये जो केव्स थी ये किसको डेडिकेट थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहां पर देखो दे आर लोकेटेड इन द वैली अबाउट 4 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन ऑफ अजंता एंड द नॉर्थ वेस्ट स्टेट, ठीक है। ये बुद्धिस्ट मॉन्क लिव्ड इन द वैली, ये देखो। तो आपने एक चीज यहां पर क्या सीखी कि भाई साहब अजंता जो केव्स हैं बेसिकली दे आर डेडिकेटेड टू विच, मतलब रिलीजन, बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म के साथ, यहां बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे, ठीक है, किसी टाइम पर, कब, 2nd century BC टू अबाउट 7th century BC तक, 7-5 से लेकर 2 से लेकर 7 सेंचुरी के बीच में यहां पर बुद्धिस्ट लोग रहते थे। दे यूज टू सम ऑफ द केव टू मेक टेम्पल्स, ठीक है, ऐसा इसके बारे में आपने याद रखना। दो चीजें, अजंता केव कहां पर है, कब यूनेस्को हेरिटेज साइट में डाली गई, और यहां पर कौन रहते थे, ये किसको डेडिकेट है, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, गाइस ये याद रखना, बिकॉज जब हमने अभी रिसेंटली हम लोग जब एमसीक्यूज भी कर रहे थे वहां पर ये क्वेश्चन पूछा भी था कि अजंता केव जो है ये किसको डेडिकेट है, तो ये है बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, गाइस, ठीक है, चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वी हैव एलोरा केव्स, गाइस, ठीक है, और दो एक और है फतेहपुर सिकरी, दो चीजें आपने और पढ़नी है। देखिए ये है एलोरा केव्स और ये है फतेहपुर सिकरी, ये इनके इमेजेस हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, इनके इमेजेस भी मैंने एक एक डाली हुई है, तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो इनको जानने की, इनको पहचानने की। सो एलोरा केव्स को भी 1983 में एड ऑन किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, साल मैंने आगे ही लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कभी रहा तो डायरेक्ट यहीं से चेप सकते हो तुम लोग। तो ये 34 मोनेस्ट्रीज हैं बेसिकली एंड टेम्पल्स एक्सटेंडिंग ओवर 2 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई हैं और साइड बाय साइड इनको डग किया गया है वॉल में, हाई बल्स्टिक क्लिफ में, नॉट फ्रॉम द औरंग फ्रॉम औरंगाबाद इन महाराष्ट्र में है ये एलोरा, विच विद इट्स यूनी अनइंटरप्टेड सिक्वेंसेज ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं डेटिंग अबाउट, देखिए इसकी डेट बताई जाए तो 600 से लेकर 1000 BC AD के बीच में ये इनकी जो स्पैन है मिलता है हमें, लाइफ टाइम मिलता है। ब्रिंग द सिविलाइजेशन ऑफ एनिशेंट इंडिया टू लाइफ, नॉट ओनली इन एलोरा कॉम्प्लेक्स अ यूनिक आर्टिस्टिक क्रिएशन एंड अ टेक्नोलॉजिकल एक्सपोलाइट बट विद द सेंचुरीज डिवोटेड टू बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। तो जो एलोरा केव्स हैं ये डेडिकेट की जाती हैं तीन, यहां पर तीन धर्म के लोग यहां इसके साथ जुड़े हुए हैं, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, जबकि जो अजंता केव्स हैं दे ओनली बिलोंग टू बुद्धिज्म, लेकिन एलोरा केव्स हमें बुद्धिज्म के ट्रेसेस भी देती हैं, हमें हिंदुइज्म के ट्रेसेस भी देती हैं, हमें जैनिज्म के ट्रेसेस भी देती हैं, ये चीज याद रखना है, यही फर्क है अजंता और एलोरा केव्स में जो एग्जाम में पूछा जाता है। इट illustrates द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस दैट वॉज कैटेक्रिस्टिक जो है इसकी बहुत बड़ी
करैक्टरिस्टिक्स है ऑफ एनिशंट इंडिया की, ठीक है। यह हमें बताता है कि किस तरीके से तीन धर्म के लोग एक ही जगह पर बैठकर पूजा कर रहे हैं, जो भी वो अपना फिलोसफी उस पर टाइम पर लिख रहे हैं, ये इसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गाइज एक और इंपॉर्टेंट हमारा जो हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दैट वी कॉल्ड एज फतेहपुर सिकरी। एंड फतेहपुर सिकरी को 1986 में एड ऑन किया गया था यूनाइटेड नेशन जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, बिल्ट ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th century। इसको 16th century में बनाया गया था उसके हॉफ में, किसके द्वारा? एम्परर अकबर के द्वारा। फतेहपुर सिकरी को किसने बनाया है? एम्परर ने, राजा कौन से? एम्परर अकबर ने, याद रखिएगा। फतेहपुर सिकरी डायरेक्ट याद रखो अकबर, ठीक है। किसने बनाया है भाई साहब? अकबर ने, ये याद रखना। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फतेहपुर सिकरी के फाउंडर कौन थे, तो इट वॉज फाउंडेड बाई फतेह किसके द्वारा? एम्परर अकबर। फतेहपुर सिकरी द सिटी ऑफ विक्ट्री थी, ये वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर ओनली फॉर सम 10 years, कम से कम 10 साल के लिए ये तो कैपिटल सिटी भी रही है मुगल्स के टाइम पर। कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स इन ऑल यूनिफॉर्म आर्किटेक्चरल स्टाइल इंक्लूड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यूज इन इंडिया, द जामा मस्जिद का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये देखने को मिलेगा, अगर कभी आप घूमने जाओ दिल्ली विल्ली तो आपको जो है ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, और आप इनको देखो, निहारो, सीखो इनसे कुछ ना कुछ चीज़। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट आई मीन क्वेश्चन कह रहा हूँ अगले टॉपिक पर। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ठीक है, गोवा में जो चर्चेज हैं हमारे, ठीक है। द चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा द फॉर्मर कैपिटल ऑफ पुर्तगीज इंडिया, ठीक है। आपको पता है जो हमारी गोवा थी ये कैपिटल थी किसकी? पुर्तगीज इंडीज की, ठीक है। पुर्तगीज की कैपिटल रही है गोवा। एंड पर्टिकुलरली द चर्च ऑफ बॉम जीजस हु कंटेन द टॉम्ब ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ठीक है, इलस्ट्रेट द जो है हमारे इन इवेंजेलाइजेशन ऑफ एशिया। These movements, monuments were influential in spreading forms of Melunia, ठीक है, Manierist and barbecue art in all the countries of Asia where missions were established. Basically, ये churches बनाए गए थे European concept के ऊपर, जैसे यहाँ पर ये लिख रहा है Manulian है, ठीक है, Manierist है, barbecue है, तो ये basically क्या था, एक art structure था जिसके base पर ये चीज़ें India में बनाई जा रही थी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर हम लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे या जो भी उनका धर्म था उसको प्रमोट करेंगे। तो ये कहाँ पर है गाइज? गोवा में है, याद रखना। और इनको 1986 में एड ऑन किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। उसके बाद हम आते हैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन सांची, दैट इज इन 1989 में सांची को भी एड ऑन किया गया है, किसमें दोस्तों? आपके वर्ल्ड जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। सांची इज ऑल्सो स्पेल्ड एज सांची भी इसको कहा जाता है कभी कभी। हिस्टोरिक साइट है, वेल सेंटर्ड मध्य प्रदेश स्टेट में है, याद रखिए। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश स्टेट में। स्टेट का नाम याद रखो और साल याद रखो, बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। इट लाइज इन द अपलैंड प्लेटू रीजन जस्ट वेस्ट ऑफ द बेतुआ रिवर, बेतुआ रिवर के वेस्ट में आपको मिलेगा। एंड अबाउट 5 miles, दैट इज 8 kilometers साउथ ऑफ विदाशा। ऑन द फ्लैट टॉप सैंडस्टोन हिल दैट राइजेज अबाउट 300 feet above the surrounding country stands India's best preserving group of Buddhist monuments, collectively designated as UNESCO World Heritage Site. तो ये basically बता रहा आपको ये इसकी location कि ये locate करता है एकदम तकरीबन जो हमारी छोटी सी एक पहाड़ी है, flat sandstone hill है जो तकरीबन 300 feet जमीन से ऊपर है, और उसके ऊपर इसको जो है वो बनाया गया था, ठीक है। और इंडियाज बेस्ट प्रिजर्व ग्रुप था या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी ये गाइज, ठीक है, यहाँ पर। और इसको 1989 में एड ऑन किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, शाबाश। चलो आगे आगे हम देखते हैं, वी हैव आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है ना, हम एनिशंट इंडिया में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि नालंदा महावीरा साइट इज द स्टेट ऑफ बिहार में है। ये सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिहार में हो, पहले भी पढ़ चुके हो, जब जेके पीएसआई का कोर्स हमने स्टार्ट किया था उसमें जब एनिशंट हिस्ट्री पढ़ी थी, यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई गई थी, वहाँ पर इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। नालंदा वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द गुप्ता एरा, इसको गुप्ता एम्पायर जब इंडिया में था उस टाइम पर इसको बनाया गया था, एंड सपोर्टेड बाई न्यूमरियस इंडियंस एंड जवेजियन पैट्रॉन्स ने इसको सपोर्ट किया था, बोथ बुद्धिस्ट एंड नॉन बुद्धिस्ट दोनों ही लोग जो है इसको सपोर्ट करते थे, बिकॉज ये एक यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पर जो नॉट फॉर इंडिया के लिए बट आउटसाइड द इंडिया, जैसे चाइना के लोग तक यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। इट कंप्राइजेज द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ मोनेस्टिक एंड स्कॉलरिस्टिक इंस्टीट्यूशन डेटिंग अबाउट 3rd century BC to 13th century BC तक इसका सर्वाइवल माना जाता है कि ये 13वीं
तीसरी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के इसमें जो भी हमें हिस्ट्री है इस नालंदा यूनिवर्सिटी इसके इसमें इसका बहुत बड़ा रोल मिलता है। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसको डिस्ट्रॉय किया गया था मुस्लिम आर्मी लेड बाय तुर्किश लीडर बख्तियार खिलजी इन 1193 में इस पर अटैक हुआ था और इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया गया था, जला दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। वी हैव अनदर साइट कॉल्ड कैंपनर पावागदा आर्कोलॉजिकल पार्क, ठीक है, ये चंपनेर पावागदा आर्कोलॉजिकल पार्क जो है इसको 2004 में एड ऑन किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और ये लोकेट करती है कहाँ पर दोस्तों, ये है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है ये, ठीक है, इसको याद रखिए गुजरात स्टेट है। और लोकेट करती है अराउंड द सिटी ऑफ चंपनेर, अ सिटी विच फाउंडेड बाई वनराज चुवादा ने इसको फाउंड किया था, द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ द चुवादा डायनेस्टी इन द 8th सेंचुरी के, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे, बहुत ही उनका नाम था एंशिएंट हिस्ट्री में। ही नेम्ड इट आफ्टर द ऑफ हिज फ्रेंड एंड जनरल चंपा, और उनके एक दोस्त भी थे और आर्मी के जनरल भी थे जिनका नाम था चंपा, और उनकी याद में उन्होंने इस सिटी को बनाया था, ऑल्सो नोन एज चंपा राज, ठीक है, उनको इनके दोस्तों को इनके जो दोस्त थे उनको चंपा राज के नाम से जाना जाता था, और उनकी याद में बेसिकली ने इन्होंने ये सिटी जो है वो फाउंड की थी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या है, दैट इज धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा तो आपको पता है हड़प्पन साइट है, याद है होगा आपको, है ना, हमने एंशिएंट इंडिया में इसके बारे में पढ़ा था। सो इसको 2021 में जो है एड ऑन किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो ये देखिए गुजरात में है ये धोलावीरा, इज लोकेशन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कोलॉजिकल साइट इन इंडिया बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद होगा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको धोलावीरा के बारे में बताया था कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी जहां में बहुत सारे ट्रेसेस मिले जिनके बुनियाद पर हम लोग जो है हिस्ट्री डेवलप कर पाए, हम लोग जान पाए दैट एंशिएंट इंडिया किस जो है दुनिया कैसी थी, कैसे वहां के लोग थे एंड ऑल दैट। It is considered as having been the greatest of cities of all time. Yes, अब तक की सबसे grandest city है ये, ठीक है, सबसे बड़ी city है of all time की। आगे देखें तो Great Living Chola Temples, Chola Temples को भी देखो यहाँ पर देखा जाए तो इनको add on किया गया है। We have Great Living Temple, इनको add on किया गया है World Heritage Site में। तो देखो चोला एम्पायर के टाइम पर इनको बनाया गया था, विच स्ट्रेचेज ओवर ऑल द साउथ इंडिया एंड द नेबरिंग आइलैंड्स, दिस साइट इंक्लूड 3 great 11th and 12th century टेम्पल्स। ये जो चोला टेम्पल्स ये हमें बताते हैं 11th और 12th century के टेम्पल्स हैं ये, ठीक है, मतलब 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए टेम्पल्स हैं दोस्तों ये, तो इनके बारे में हमें पता चलता है। तो बेसिकली जितने भी टेम्पल देखो यहाँ पर 3 टेम्पल में लिख के आए, जैसे बृहदीश्वरा टेम्पल तंजावुर में है, बृहदीश्वरा टेम्पल एट गंगाकोंडा में है चोलापुरम में, एंड नेक्स्ट इज अरिवेस्तेश्वरा टेम्पल एट दारासुरम, ठीक है। तो ये अलग अलग ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, इन सबको जो है वो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं ये, ठीक है, तो इनको एड ऑन किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इनका नाम याद रख लेना दोस्तों, बस नाम, ये तो हिस्ट्री मैंने सिर्फ आपके लिए डाली हुई है कि चलो आपको, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि कहां से ये इसके बारे में थोड़ी सी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो अच्छी बात है, इसलिए मैंने इनको इनके लिए चीज़ें ऐड ऑन की हैं। अदरवाइज आप सिर्फ नाम याद रखो, साल याद रखो, लोकेशन याद रखो कौन सी स्टेट में। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, हम्पी को अगर हम बात करें तो आपने पैसे अगर आप यूज़ करते हो ना, करेंसी यूज़ करते हो जो आप, उस पर भी देखा करो ऐसे फोटोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो हम्पी को 1986 में एड ऑन किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और ये है कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कर्नाटका स्टेट में है। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगरा एम्पायर, याद होगा आपको जब हम विजयनगरा एम्पायर की बात कर रहे थे, विजयनगरा एम्पायर 14th century का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साउथ किंगडम हुआ करता था, ठीक है, और उसकी कैपिटल थी हम्पी, याद रखिए। इट इज अ फोर्टिफाइड सिटी, ये चारों तरफ से घिरी हुई एक सिटी हुआ करती थी, क्रोनोली लेफ्ट बाई पर्शियन एंड यूरोपियन ट्रैवलर्स, जितने भी आपके पर्शियन से आए हुए ट्रैवलर्स थे या यूरोपियन ट्रैवलर्स थे उन्होंने इसके बारे में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली द पोर्तुगीज ने इसके बारे में अच्छे से लिखा है। ये कहते थे कि हम्पी वॉज अ प्रॉस्पेरियस वेल्थी एंड ग्रैंड सिटी नियर द तंग भद्रा रिवर के पास में थी ये, विद न्यूमेरियस टेम्पल्स फॉर्म्स एंड ट्रेडिंग मार्केट्स के साथ, यहाँ पर आपको इसकी खूबियाँ देखने को मिलती हैं। तो हर एक ट्रैवलर ने हम्पी सिटी को
जो बेसिकली कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की, उसके बारे में इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि वो काफ़ी अमीर थे, वहाँ के सिस्टम कैसा था एंड ऑल दैट, जो भी चीज़ें इन पे, दैट्स वाई इट इज़ हम लोग इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको हमने डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में जो भी हमने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको सबको हमने जो है दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा हुआ है, और ये है 1984 में ऐसा किया गया था। ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम इज अ कलेक्शन ऑफ 7th to 8th century रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स इन द कोस्टल रिजॉर्ट फ्रॉम द महाबलीपुरम, तमिलनाडु में है इंडिया, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो हमारी, ठीक है। स्टेट का नाम कहाँ, कौन से स्टेट में है, तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में लोकेट करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए ये कुछ ऐसे इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे, कितने मतलब खूबसूरत और ब्यूटीफुल टेम्पल हैं ये, इनको प्रोटेक्ट करने की बात जो है वो की गई, कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को जो है गाइस दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाकोडला कोडल, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो इसको हमने 1987 में एड ऑन किया हुआ है, एंड पट्टा कोड जो हमारा पट्टा डकल है, ऑल्सो कॉल्ड एज पट्टा डकलू और रक्तापुरा, इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 7th to 8th century हिंदू एंड जैन टेम्पल्स इन नॉर्थ कर्नाटका में। कहाँ पर लोकेट करते हैं, कर्नाटका में लोकेट करते हैं, और क्या है वहाँ पर, ये बेसिकली टेम्पल्स हैं किसके, जैन्स के भी और हिंदुइज्म के भी। तो यहाँ से हम एक अनुमान लगा सकते हैं दैट सेक्रोलिज्म था यहाँ पर, है ना, मतलब पॉलिसी ऑफ क्या कहेंगे, सेक्रोलिज्म यहाँ पर थी, ठीक है। लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द महाप्रभा रिवर इन बालाकोट डिस्ट्रिक्ट, इन बालाकोटे डिस्ट्रिक्ट इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डाला गया है। साल कौन सा है, 1987 गाइस, ठीक है, 1987 में इसको एड ऑन किया गया है। आगे बढ़े, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में जितने भी हिल फोर्ट्स हैं उन सबको 2013 में एड ऑन किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये देखो स्टेट ऑफ राजस्थान और अवर हंड्रेड्स ऑफ फोर्टिफिकेशन एंड हिल्स एंड मॉन्यूमेंटस ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पर। 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान स्टेट इन इंडिया वी हैव बीन क्लस्टर्ड एज द सीरीज एंड डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हिल फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान वॉज इनिशियली सबमिटेड टू यूनेस्को एज अ सीरियल प्रॉपर्टी फॉर्म्ड बाई 5 राजपूत फोर्ट्स ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंजेस पर जितने भी राजाओं ने रूल किया हुआ है, उन्होंने जितने भी महल्स बनाए उन सबको एड ऑन कर दिया गया है, एंड वर बिल्ट एंड हेंस बिटवीन द 5th and 18th century 5वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में जितने भी टेम्पल्स वहाँ पर बने हैं उन सबको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। गाइज यहाँ पर एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए, दैट इन मंदिर्स के बारे में पढ़ लेना, कितने मंदिर सही है, ठीक है, मतलब अपने लिए, ठीक है, मतलब पेपर में तो नहीं पूछेगा, हो सकता है मंदिर दे के पूछे, लेकिन राजस्थान का कोई भी फोर्ट वोट होगा तो आप मोस्टली उसको जो है वो एड ऑन किए गए हैं, किस में दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। चलो आगे, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद की जो सिटी है उसको भी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। 2017 में इसको जो है वो एड ऑन किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद की अगर हम बात करें, और द ओल्ड अहमदाबाद, द वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाई अहमद शाह फर्स्ट ऑफ गुजरात सल्तनत इन 1411। तो अहमद शाह ने फाउंड किया है किसको गाइस, अहमदाबाद सिटी को, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, और 1411 में इसको जो है उन्होंने बनाया था। इट रिमेन द कैपिटल ऑफ गुजरात सल्तनत, ये गुजरात सल्तनत की कैपिटल रही है एंड लेटर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड कमर्शियल सेंटर ऑफ द ट्रेड भी रहा है गुजरात का। टुडे आज हम देखें, डिस्पाइट हैविंग बिकम एक्सट्रीमली क्राउडेड एंड डेलिफिटेटेड is still serve as the symbolic heart and metropolitan Ahmedabad hai ye. It was inscribed as the World Heritage Site by UNESCO in 2017 mein isko UNESCO World Heritage Site mein add on kiya gaya hai. Himayu's tomb Delhi mein jo hai, Delhi mein jo hamara Himayu tombs hai, theek hai, usko 1993 mein add on kiya gaya tha. Himayu's tomb Delhi is the first of the grand dynastic mausoleums that were to become the symbols of the Mughal architecture, जो मुगल आर्किटेक्चर के बारे में हमें बताते हैं, with the architectural style reaching the zenith 18 years later at the Taj Mahal. Himayu's tomb was built in 1560s में, 1560 में इसको बनाया गया था, with the patronage of Himayu's son, the great emperor Akbar. और किसने बनाया था Himayu's की tomb को, अकबर ने अपने पापा की याद में इसको बनाया था guys, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर Himayu's tomb
ये आपका अहमदाबाद सिटी में जाओगे कभी घूमने, जॉब लगेगी तो उसके बाद घूमने जाओ इन जगहों पर, देन यू विल रियलाइज के हमारा जो कल्चर है वो कितना रिच है दोस्तों, ठीक है। अभी बुक्स में पढ़ रहे हो तो बुक्स में इतना मज़ा नहीं है जितना बाहर जाने में। नेक्स्ट वी हैव जयपुर सिटी राजस्थान। जयपुर सिटी राजस्थान को 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। द वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर इन इंडिया इज द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान, वॉज फाउंडेड इन 1727 में, इसको फाउंड किया गया था बाय स्वाय जय सिंह सेकंड, ठीक है। स्वाय जय सिंह ने जयपुर सिटी को फाउंड किया है, ये भी याद रख लो अगर रख सकते हो तो। द सिटीज अर्बन प्लानिंग शोज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज फ्रॉम एनिशेंट हिंदू एंड अर्लियर मॉडर्न मुगल्स एज वेल एज वेस्टर्न कल्चर का यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। आपको कॉम्बिनेशन मिलने को मैं हिंदू मुगल्स और वेस्टर्न कल्चर का कॉम्बिनेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज पैरिस ऑफ इंडिया, इसको पैरिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एंड डॉक्टर सीवी रमन ने इसको कहा है आइलैंड्स ऑफ ग्लोरी। तो कुछ इस तरीके से अगर आप इमेज देख पा रहे हो तो आपको फोटो में दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको जयपुर सिटी, अरे आप मोस्टली बच्चे जितने भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं विजिट तो किया ही होगा भाई साहब तुम लोगों ने जयपुर, ठीक है। तो जयपुर सिटी को आप देखते हो पिंक सिटी भी कहा जाता है ना, तो इतने सारे नाम बन रहे इसके। नेक्स्ट वी हैव काकतिया, दैट इज रुद्र सवर्णा टेम्पल तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है। रुद्रेश्वरा पॉपुलर नोन एज रंपा टेम्पल इज लोकेटेड इन द विलेज ऑफ पालमपट अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ हैदराबाद इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना इज द मेन शिवा टेम्पल इज इन अ वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स बिल्ड ड्यूरिंग द कातियाना पीरियड में। इसको बनाया गया था जब कातियाना क्लैन रूल किया करते थे अंडर द रुद्र देवा एंड रिचर अल्ला रुद्रा के टाइम पर इसको बनाया गया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सैंडस्टोन टेंपल, और इस मंदिर को जो है वो सैंडस्टोन से बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1213 में हुई एंड इज बिलीव टू हैव कंटिन्यूड फॉर सम 40 ईयर्स, और 40 साल लगे गाइज इस मंदिर को बनाने में, कितने 40 साल। तो यहाँ पर इसकी मैं एक इमेज लेकर आया हूँ, तो आप देख सकते हो इसकी इमेज पर कि इसका खूबसूरत सा यहाँ पर एक टेम्पल है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ, अगले और कौन कौन से हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। नेक्स्ट आ रहा है गाइस खुजराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, है ना। खुजराहो जो हमारे ये देखिए कुछ इस तरीके से खुजराहो पेंटिंग्स बेसिकली याद रख दीजिएगा। तो खुजराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स और द ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इंडिया में है। ये अबाउट याद रखेगा कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, अबाउट 175 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ झांसी में। दे आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द टेम्पल्स आर फेमस फॉर देयर नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर सिंबलाइज द लेस देन 10% ऑफ देयर इरोटिक स्कल्पचर्स, ठीक है। इरोटिक स्कल्पचर्स आपको इस पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव महाबुद्धि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया, और बोधगया में जो महाबुद्धि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसको भी 2002 में एड ऑन किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और बोधगया क्या है गाइस, बोधगया एक ऐसी जगह है जहां पर गौतम बुद्धा को उनके नॉलेज की जो है उनको एनलाइटमेंट हुई थी, एंड फॉर दैट रीज़न वो सिटी काफ़ी चर्चा में रही है, है ना। अभी भी लोग जो हैं वहाँ पर घूमने जाते हैं मोस्टली, ठीक है। ये बोधगया जो है कहाँ पर है गाइस, बिहार में, पटना बिहार स्टेट में है। द स्टेट कंटेन्स द सेंट ऑफ बोधि ट्री अंडर विच बुद्धा गेन एनलाइटमेंट एंड हिज बीन मेजर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट एज फॉर एज द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड सम एलिमेंट्स डेट टू दिस पीरियड ऑफ अशोका के टाइम पर के बारे में हमें यहाँ पर बताते हैं। तो ये देखो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है और ये आपके लिए याद रखना बहुत ही ज़रूरी है गाइज, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है वो आएगा, ठीक है। एंड उसमें हम यहाँ से आगे के जो आपके रहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय गाइज़।